नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ एडवांस सेटिंग्स, जो मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि कुछ एडवांस सेटिंग्स बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें मशीन में ये काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ये लेस कर रही है काउंटिंग को। ये पूरे 100 नोट हैं लेकिन ये बार बार जो काउंटिंग है उसको कम बता रही है। तो इसके लिए आज हम आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स बताएंगे कि इस मशीन को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम। जैसे देखिए अभी इसने 95 किया है, ये देखिए अब 97 कर दिया है इसने। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं मशीन को। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने काउंटर असेंबली साफ़ की थी काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जिस पे मैं हाथ लगा रहा हूँ ये काउंटर असेंबली है। तो आप देखिए इसके ऊपर जो एक कैप लगा होता है उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है इस तरीके से, ये देखिए। तो इसको मैं आपको खोल के भी बताऊंगा, क्लोज करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको एडजस्ट करना होता है। तो चलिए एक बार फिर सेट करके देखते हैं। इसके जो ऊपर कैप है इसको लूज़ करके काउंटिंग एडजस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे टाइट कर देना है इसको। अब देखते हैं काउंटिंग में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार और इसको देखते हैं, थोड़ा इसको टाइट करके देखते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसको साफ़ करना पड़ता है, जो ये काउंटर असेंबली है। तो वो कैसे साफ़ करना है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हैं कैसे इसको क्लीन करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको पहले क्लीन कर दिया था। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये काउंटर असेंबली होती है, इसको पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना आपने, उसके बाद इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो करनी होती है। देखिए ये जो देख आपको नीचे से दिख रहा होगा, ये इसके अंदर एक डायाफ्राम होता है। तो ये वाली देखिए, ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम अंदर है इसके। ये इसकी पिन बार रहती है, सेंसर को कट करती है। देखिए तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, ये जो देखिए ये दो दो कट बने हुए, ये सेंसर है, इसको कट करती है तो तब आपकी काउंटिंग होती है। ऊपर से इसको खोलते हैं तो इसके अंदर दोस्तों एक स्प्रिंग होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो ये इसको काउंटिंग को एडजस्ट करने के लिए होता है। ये देखिए, तो इसके प्रेशर को आपको सेट करना है, इससे काउंटिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो आपका सेंसर जो आपका डायाफ्राम है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर नीचे करके काउंटिंग चेक करते रहना है। जहाँ पर हमारी काउंटिंग सेट हो जाएगी उसको वहीं पर टाइट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये आपने मशीन में लगे लगे सेटिंग करनी है, उतार के सेटिंग नहीं करनी है आपने। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, फिर काउंटिंग चेक करनी है, फिर एडजस्ट करना है, काउंटिंग चेक करनी है। आपको कम से कम 8-10 बार ऐसे करना पड़ेगा तो आपकी काउंटिंग सेट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये आपका डायफ्राम साफ़ होना चाहिए। चलिए दोस्तों हमने लगा दिया, अब देखते हैं। तो इसको मैंने एडजस्ट कर दिया था वैसे, तो ये देखिए, ये हम इसको टाइट कर देते हैं। इसको दोस्तों आपको जो कैप है ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके देख लेना है, जहाँ पे आपकी काउंटिंग सेट आती है वहीं पे इसको टाइट कर देना है। तो ये अब सेट हो चुकी है काउंटिंग आपकी, देखिए। तो दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आने वाली है, इसमें मैं आपको मोटरों के बारे में बताऊंगा, मोटर वगैरह में दिक्कत आती है या भी मशीन की बेल्ट टूट जाती है तो वो कैसे आपको ठीक करना है। और इसके बाद आपको मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। देखिए अब इसको एक बार हम कवर बंद करके भी चेक कर लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कुछ टाइम में, तो उसमें इसी तरह से हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। ये मशीन आपकी सेट हो चुकी है, ये देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, थैंक यू।